वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 यह भारत की नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इससे पहले दो वर्ष पूर्व 2019 ईस्वी में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। आपको बताते चलें, यह रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर जारी होती है। आइए देखते हैं कि किस राज्य में वन क्षेत्रफल बढ़ा, किस राज्य में कम हुआ, वन क्षेत्रफल के आधार पर कौन राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्रफल रखते हैं, कौन कम रखते हैं, सघन वन, अति सघन वन, वन क्षेत्रफल, वृक्षा आवरण इत्यादि किसे कहते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई। यह 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट का प्रकाशन दो वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यानी प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 2021 की यह ताज़ा रिपोर्ट 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। पहली वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी की गई थी। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 713,789 वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़ा याद रखना है, कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र भारत का 713,789, जिसमें सघन वन, मध्यम वन और खुले वन, ये तीनों वन सम्मिलित हैं, ठीक है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71% है। यानी ये जो वन क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 21.71%। यानी भारत के 21.71% भूभाग पर वन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यानी इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कुल वन क्षेत्र 713,789 वर्ग किलोमीटर है। यह हुआ 21.71% कुल भारतीय भूमि का, ठीक है। इसके बाद वन के इतर वृक्ष होते हैं, जो हमारे गाँव में आसपास जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष के द्वारा आच्छादित क्षेत्र कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर। यह हुआ कुल भूभाग का 2.91%। तो इस प्रकार से कुल वन क्षेत्र यानी ये वाला और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी ये वाला मिला करके भारत में, भारत के क्षेत्रफल में कुल मिला के भारत भूमि पर 809,537 वर्ग किमी पर वन है और वृक्ष हैं, ठीक है, वनों और वृक्षों को मिला के, यानी इस मिला के कुल मिला के भारत के टोटल भूभाग पर वन और वृक्ष दोनों मिला के 24.62% हैं। और वहीं 2019 की अगर बात करें तो 2019 यानी दो साल पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुल वन क्षेत्र था 712,249 वर्ग किलोमीटर, और ये वाला यानी वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इनको मिला के कितना था, 807,276 वर्ग किमी, ठीक है। तो इस प्रकार से 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि कितनी हुई, ये देखना है। तो वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, 1,540 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका अंतर, ये 2021 का है और यह 2019 का है, यानी 21 में इतने क्षेत्रफल पे वन था, वन है, और 19 में इतने पे था, तो इसको घटा दिया तो कितना अंतर आया, यानी वृद्धि हुई है, कितने वन बढ़े हैं, 1,540 वर्ग किलोमीटर पे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वहीं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिला के
2019 में जो है वन क्षेत्र प्लस वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना प्रतिशत बनती है 0.32%। ठीक है, ये है वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। पांच राज्य हम देखते हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड पे छत्तीसगढ़ पे, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र सम्मिलित है। अगला देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, यानी जो राज्य का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भाग पर वन है, तो इस दृष्टिकोण से सबसे नंबर एक पर है वो है मिजोरम, यानी मिजोरम के 84.53 भूभाग पर, 84.53% भूभाग पर वन है। सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 79.33% भूभाग पर वन है। थर्ड है मेघालय, यहाँ पर 76% भूभाग पर वन है। चौथा है मणिपुर, यहाँ पे 74.34% भूभाग पर वन है। पांचवा है नागालैंड, 73.90% भूभाग क्षेत्रफल पर वन है। 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, किस राज्य में हुई है, तो इस दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो है आंध्र प्रदेश में, कितनी 647 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर है उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर है कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और पांचवे नंबर पर है झारखंड 110 किमी वर्ग किमी क्षेत्र पर वृद्धि हुई। यानी 2019 से 2021 तक दो साल के दौरान जिस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए देश के 17 राज्य ऐसे हैं, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। यानी इन 17 राज्यों के 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2021 की ताजा वन रिपोर्ट के अनुसार कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव वनस्पति कुल कितनी है, 4992 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हुआ 0.15%। 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, किसमें, कच्छ वनस्पति में यानी मैंग्रोव वनस्पति में। तो सर्वाधिक मैंग्रोव जो है कबर मैंग्रोव वन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान और निकोबार में। अगर बात करें कि सर्वाधिक मैंग्रोव यानी कच्छ वनस्पति केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, 2019 से लेकर के 2021 के दो वर्षों के अंतराल में मैंग्रोव क्षेत्र में, मैंग्रोव वन क्षेत्र में यानी मैंग्रोव कबर में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो है उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर। टोटल दो साल में वृद्धि हुई है भारत में 17 वर्ग किलोमीटर, ये 17 वर्ग किलोमीटर में 8 सिर्फ कहाँ हुई है, उड़ीसा में, और 4 हुई है महाराष्ट्र में, और 3 हुई है कर्नाटका में। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि वनों का वर्गीकरण जो हमने दिखाया आपको, वन तीन प्रकार के होते हैं, अति सघन वन, ये 70% से अधिक वृक्षावरण जहाँ पर होता है उनको कहते हैं, यानी ऐसा भूभाग, ये मान लीजिए भूभाग है तो इसमें लगभग 70% भूभाग पर वन है, तो इस प्रकार के वन को कहते हैं अति सघन वन। ठीक है, उसके बाद मध्यम वन होते हैं, मध्यम घने वन 40% से 70% के वृक्षावरण का मध्य सघन वन कहते हैं।
ठीक है। ये है टोटल बात करें अगर, फिर तीसरा है खुले वन, 10% से अधिक किंतु 40% से कम जिसमें जिस वनों में बिछावन होता है उनको खुले वन कहते हैं। अब बात करें 2021 का जो जो वन वन प्रतिशत है वो है हमारा कितना भारत का 21.71। तो 21.71 में अति सघन वन कितने हैं 3.04%, मध्यम घने वन कितने हैं 9.33%, और खुले वन कितने हैं 9.34%। अब फिर झाड़ियाँ किसे कहते हैं? जहाँ पर 10% से कम वृक्षावरण वाला क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम झाड़ियाँ।